पुलिस मंशा बम डिफ्यूज करने में नाकाम, मंशा बम को मुबैना तौर पर हिरासत में लेकर छोड़े जाने का इंकशाफ। मंशा बम रात 12 बजे जौहर टाउन में अपने डेरे पर आया, जराए का दावा। मंशा बम को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मजामत पर फरार हो गया, गाड़ी कब्जे में ले ली। एसपी सदर माज जफर की तस्दीक, पुलिस ने मुबैना तौर पर मंशा बम से साजबाज की, जराए का दावा। मंशा बम से मिलने वाली गाड़ी मोहम्मद अशरफ नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड, गाड़ी का नंबर LWA7979 है। लाहौर न्यूज ने पुलिस के जेरे कब्जा गाड़ी की तस्वीर हासिल कर ली। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के मंशा बम से गहरे ताल्लुकात, मंशा बम की जानिब से एजाज चौधरी और नजीर चौहान के इंतखाबी मुहिम चलाने का इंकशाफ। मंशा बम का बेटा मलिक तारिक खोखर पीटीआई का बलदियाती उम्मीदवार निकला, UC 238 से चेयरमैन का टिकट दिया गया। एलडीए टीम पर हमले का इल्जाम, मंशा बम और उसके चार बेटों के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने मंशा बम, फैसल मंशा, तारिक मंशा और आसिम मंशा के वारंट जारी किए। मुलजिमान के खिलाफ थाना जोहर टाउन में मुकदमा दर्ज है। तजावजात माफिया की शामत, शहर में कब्जा माफिया के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। एक्सीलेटर से दीवारें, थड़े और शटर गिराए जाने लगे। जैन मंदिर लिटन रोड पर 1400 दुकानों के सामने से थड़े और शेड साइन बोर्ड उखाड़ दिए गए। शमसानी कब्रिस्तान जौहर टाउन में तामीरात और भैंसों के बाड़े मसमार, डिप्टी कमिश्नर का शमसानी कब्रिस्तान में ऑपरेशन का जायजा। लैंड माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है, डिप्टी कमिश्नर। चौधरी परवेज इलाही की जेरे सदारत पंजाब असेंबली का पहला वर्किंग इजलास, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। नून लीग के बल्दियाती नुमाइंदों का असेंबली के बाहर एहतजाज, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बल्दियाती निजाम नामंजूर के नारे। बल्दियाती निजाम को मुद्दत पूरी करने दो, चेयरमैन का मुतालबा। उस्मा बुखारी का स्पीकर असेंबली परवेज इलाही पर जानिबदारी का इल्जाम, बतौर स्पीकर आपको गैर जानिबदार होना चाहिए, आप ऐवान से बाहर बयानबाजी करते हैं। उस्मा बुखारी का स्पीकर से मुकालमा, आपका नुकता एतराज दुरुस्त नहीं। स्पीकर का उस्मा बुखारी को बात करने की इजाजत देने से इनकार, माइक बंद करा दिया। मुअज्जिज खवातीन, माएँ और बहनें बैठी हैं, स्पीकर को अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना चाहिए। हमजा शहबाज का ऐवान में खिताब, स्पीकर के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई क्या वो मुनासिब है? चौधरी परवेज इलाही का हमजा शहबाज को जवाब। रुकने असेंबली उज़्मा कादरी, जलील शरकुरी, सरदार उवैस दरेशक और नफीसा अमीन ने रुकने पंजाब असेंबली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। ज़ईम कादरी को पार्टी से तहफ्फुज़ात हैं जो किसी हद तक दुरुस्त हैं। नून लीग के साथ रंजिश अपनी जगह, लेकिन पार्लिमानी किरदार निभाऊंगी, आइंदा भी नून लीग को ही वोट दूंगी। उज़्मा कादरी की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू, कहा नून लीग मेरी जमात है, नाराजगी होती रहती है, क़यादत से कुछ दूरियां जरूर हैं। डीपीओ पाक पतन का तबादला, वजीर आला ऑफिस की मुदाखलत पर हुआ। वजीर आला पंजाब सादिक और अमीन नहीं रहे, वजीर आला पंजाब मुस्ताफी हो। पीपल्स पार्टी वजीर आला के खिलाफ करारदाद ले आई, राना मशहूद की असेंबली रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जेर सदारत कमेटी रूम में नून लीग का पार्लिमानी इजलास, सेनेट इलेक्शन के नतायज और असेंबली इजलास की हिकमत अमली पर मशावरत। नून लीग का एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ, अददी अक्सरियत से ज्यादा वोट ख्वाजा अहमद हसान को मिले, यही हमारी जीत है, हमजा शहबाज की गुफ्तगू। नया बल्दियाती निजाम अवामी खिदमत को नई जहत देगा, बल्दियाती निजाम को नए खतूत पर इस्तेवाल किया जा रहा है। मौजूदा निजाम में इख्तियारात के अदम तवाज़ुन ने बल्दियाती निजाम का हुलिया बिगाड़ दिया। वजीर आला पंजाब के मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू, वजीर आला पंजाब से 9 मुंतखब सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम की मुलाकात, सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अब्दुल अलीम खान और मियाँ महमूद रशीद भी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया, 50 लाख घर बनाने, कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर रिपोर्ट पेश कर दी गई। इजलास में 100 रोजा प्लान से मुतल्लिक भी हुकाम ब्रीफिंग देंगे।
नैब लाहौर के बाहर एलडीए सिटी के मुतासरीन सरापा एहतजाज, अदायगी के बावजूद प्लॉट्स की बेल्टिंग नहीं हो रही, मुतासरीन की दोहाई, एलडीए पर वाजे प्लान ना देने का इल्जाम। पैदल चलें लेकिन कानून के दायरे में, जीब्रा क्रॉसिंग और फ्लाईओवर ब्रिज इस्तेमाल ना करने पर जुर्माने होंगे, सेफ सिटी के सिफारिशात, अहम शाहराहों से जीब्रा क्रॉसिंग के निशानात मिट चुके। एहतसाब शुरू, पुराने खाते सब रीओपन, पुलिस ने करोड़ों रुपए कहां कहां खर्च किए, हिसाब किताब शुरू। डीआईजी ऑपरेशंस ने गुज़श्ता चार वर्षों में खर्च होने वाली रकम की रीचेकिंग शुरू कर दी। लखोडेर में 21 लाख गंदे अंडे तल्फ कर दिए गए, मुजरे सेहत अंडे खरीद कर पाउडर बनाने वाली फैक्ट्रीज सील की गई। शेखुपुरा से 90,000 गंदे अंडों की बरामदगी हुई, सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी का इंकशाफ। 17 करोड़ 27 लाख रुपए के इनकम टैक्स की अदम अदायगी, एफपीआर इन एक्शन, ईडन बिल्डर्स के मालिक की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में रूनुमाई, ट्रॉफी को देखने के लिए तलबा तालिबात की बड़ी तादाद उमड़ आई। शाइकीन के लिए खुशखबरी, सुपर लीग में आर्मी सितारों की कहकशा जगमगाएगी, क्रिस गेल, एवी डी विलियर्स, क्रिस लेन, स्टीव स्मिथ और ब्रेंडन मैकलम प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल। पीएसएल के चौथे एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। और जानवरों के आलमी दिन की मुनासबत से चिड़ियाघर में तकरीब, चार यूनिवर्सिटीज के तलबा ने पोस्टर्स बनाए, तकरीब में खसूसी बच्चों की भी परफॉर्मेंस।